क्लास सिक्स कंप्यूटर क्लास लेसन थ्री। हाँ, डायरेक्टरी कमांड। डायरेक्टरी कमांड क्या होता है, किसी डायरेक्टरी को कैसे आप देखते हैं, खोलते हैं? तो डायरेक्टरी कमांड इज लाइक ए टेबल कंटेंट्स इज ए बुक। डायरेक्टरी एक प्रकार से टेबल के रूप में बुक की तरह होती है। दिस डायरेक्टरी विल लिस्ट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। एक डायरेक्टरी में बहुत सारी सूचनाएं रहती हैं। क्या क्या रहती हैं? फाइल नेम, फाइल के नाम, साइज ऑफ ईच फाइल, साइज का आकार, फाइल एक्सटेंशन, फाइल एक्सटेंशन रहता है, डेट एंड टाइम, द फाइल वाज द लास्ट अपडेट। कहने का मतलब ये सारी चीज़ें किसके अंतर्गत है? डायरेक्टरी में। डायरेक्टरी जैसे डायरी आपकी नहीं होती है, महीने की डायरी, मंथली डायरेक्टरी, कोई भी डायरेक्टरी, जैसे टेलीफोन की डायरेक्टरी, आपके उसकी डायरेक्टरी होती है, जैसे आपका डायरेक्शन में क्या होता है, एट द सी कोलन सी स्लैश बाय ग्रेटर द टाइप डायरेक्टरी एंड प्रेस द रिटर्न। इसको डायरेक्टरी लिख के प्रेस रिटर्न करेंगे तो खुल जाएगा। दिस लिस्ट ऑफ फाइल विल स्क्रॉल अप एंड ऑफ द स्क्रीन। उसको स्क्रॉल पर अप एंड ऑफ करेंगे। नोट ऑल द एंड ऑफ लिस्टिंग देयर इज ए लाइन दैट विंडोज द नंबर ऑफ द बाइट फ्री ऑन द हार्ड डिस्क ड्राइव। यह आपको बताएगा कि आपके हार्ड डिस्क में कितनी बाइट की है और अंत में सेव करने के बाद। स्क्रॉल अप थ्रॉट द डायरेक्टरी लिस्टिंग व्हेन यू टाइप द डी आर कमांड। जब डी आर कमांड डायरेक्टरी खोलने के लिए निर्देश देते हैं एंड प्रेस द रिटर्न, फिर रिटर्न प्रेस करते हैं, द फाइल बिगेन द स्क्रॉल वर्टिकली ऑन योर स्क्रीन। वह वर्टिकली आपके ऊर्ध्वाधर आपकी स्क्रीन पर दिखाई देती है। इफ यू हैव ए लॉट नेक्स्ट कमांड, इसके बाद दूसरे कमांड पर जाने के लिए टाइप करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी ये चीज होती है। यहाँ पर पुश डायरेक्टरी लिस्टिंग, यू कैन ऐड द पुश कमांड टू ओपन डायरेक्टरी कमांड विच विल अलाउ यू टू व्यू योर डायरेक्टरी ऑन वन स्क्रीन एट ए टाइम। डायरेक्टरी वन स्क्रीन एट टाइम, इसमें आपको सारी इंफॉर्मेशन, फाइल नेम, फाइल की साइज, एक्सटेंशन नेम, डेट, सब इसी पर आपके एक फाइल क्या है, किस में बनी है, उसका डेट कौन सा है, उसमें कितनी बाइट लगा है, सब आपको इंफॉर्मेशन देंगे। डायरेक्टरी डायरेक्शन, टाइप ऑफ डी आर स्लैश पी एंड प्रेस द रिटर्न। इसको प्रेस करने के बाद रिटर्न आ जाएंगे। द स्क्रीन फ्रीजेस आफ्टर द स्क्रीन विज द फाइल देयर दैट द लिस्ट फर्स्ट इन द डायरेक्टरी। तीसरा दिया है प्रेस द कंटिन्यू स्पेस बार जारी रखे अंटिल योर रिटर्न द बैक ऑफ सी कोलन स्लैश प्रॉम्प्ट पर आएंगे। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर इसके बाद विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है उसके बारे में आप पढ़िए। ये डायरेक्टरी के बारे में हो गया, फिर इसके बाद विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन इंटीग्रेटेड सेट ऑफ प्रोग्राम दैट इज यूज टू मैनेज द वेरियस रिसोर्सेज। ऑपरेटिंग सिस्टम वो होता है, इंटीग्रेटर विस्तारित चीज वो होती है जो आपके प्रोग्राम को व्यवस्थित करता है। कैसे, किसको किसको, लाइक सीपीयू टाइम, मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट। वह तीन चीजों को मैनेज करता है, सीपीयू को भी मैनेज करता है, मेमोरी को भी मैनेज करता है, इनपुट आउटपुट जो आप देते हैं, जो बाहर प्रिंट होकर निकलता है, सबको मैनेज कौन करता है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम।
एज ओवर ऑल ऑपरेशंस ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम माइक्रो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम वाज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट ओवरकम द लिमिटेशन ऑफ इट ओन डास्क ऑपरेटिंग सिस्टम। यह ऑपरेटिंग माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि ओवरकम बन के आया है डास्क ऑपरेटिंग सिस्टम पर। फॉर एग्जाम्पल वाइल एडिटिंग ए फाइल द फोरग्राउंड एंड शॉर्टिंग जॉब कैन बी गिवेन ए बैकग्राउंड। कहना मतलब कि किसी प्रोग्राम को एडिट का मतलब हटाना या जोड़ना, तो उसके साथ आप शॉर्टिंग करते हैं किसके द्वारा, बैकग्राउंड पर। बैकग्राउंड इजी टू यूज विद द अटेंशन पेड टू परफॉर्मेंस। यह एक ऐसा व्यवस्थित कार्य है जो बिना उसके मोस्टली आप आसानी से यूज कर सकते हैं, परफॉर्मेंस दे ले सकते हैं। इट यूज बोथ माउस एंड कीबोर्ड एज इनपुट डिवाइस। माउस एंड कीबोर्ड दोनों इनपुट डिवाइस हैं। इंटरेक्शन विद द विंडोज इज मोस्ट efficient when option आर chosen will the mouse and characters are enter vista the keyboard windows provide desk windows application icon start button taskbar my computer windows scroller सब उसी प्रकार रहता है डेस्कटॉप पर। दिस इज यूज टू नेविगेट अराउंड द सिस्टम। स्मॉल पिक्चर शो एट द स्क्रीन आर कॉल्ड आइकन। जो ये सब है आपके टेलीविजन कंप्यूटर के स्क्रीन डेस्कटॉप पर छोटे छोटे चित्रों में दिखाई देते, वो भी चित्र ऐसे होते हैं चित्र पर